अंकिता लोखंडे ने बोला कि मुझे मुनावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी अंकिता को प्रॉब्लम तो नजर आ रही है। अंकिता का कहना यह है कि भाई उसको मेरे रिश्ते में क्लैरिटी लानी चाहिए और हमारे रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है। अब जो है अंकिता लोखंडे सवाल खड़े कर रही है, अंकिता के आखिरकार रिश्ते में कहाँ पर क्लैरिटी है? अंकिता की प्रायोरिटी जो है सबसे पहले विक्की ही है और हमेशा ही रहेगा, पर वहाँ पर अंकिता सोचती है कि उसका भाई जो बना है, मुँह बोला भाई बना है, वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखे और वो जो है हमेशा उसके साथ ही रहे। हालांकि अंकिता का कहना ये है कि मुन्ना के बारे में कभी भी कोई कुछ बोलता है तो मैं उसके बारे में सुनती नहीं हूँ, मेरे सामने कोई भी मुन्ना के बारे में कुछ बोलता नहीं है। भाई क्यों नहीं बोलता? बॉडी शेमिंग तो सबने साथ में मिलके ही की थी, तब तुमने क्यों नहीं रोका वहां पर? तब तो तुमने, अंकिता लोखंडे जी, तब तुमने बहुत सारी बातें बोली थी जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था मुनावर की जनता को और बिग बॉस की जनता जो कि एक्चुअली में पसंद करती है मुनावर को, हर्ट हुआ था। और अब जो है अंकिता का कहना ये है कि इसके और मेरे रिश्ते में ना क्लैरिटी नहीं रही है। जिस तरीके से ये उसका स्टैंड लिए जा रहा है ना मनारा का, ये गलत चले जा रहा है। अगर कहीं पर भी बैठा है ठीक है, वहाँ पर अगर मेरे बारे में बुराई हो रही है या मेरे बारे में बात हो रही है, तू वहाँ पर बोलता कुछ नहीं है, पर तू उस चीज़ को डिफेंड भी नहीं करता है। अगर तेरे तूने मुझे वो चीज़ नहीं दी है, अब पहले वो बॉन्ड था हमारा, अब तू मुझे वो चीज़ नहीं दे रहा है। अब जो है तेरे साथ कोई बैठा हो, मनारा के बारे में तुझे कोई कुछ नहीं बोलता, तेरे साथ कोई कुछ बात नहीं करता, मनारा के खिलाफ नहीं करता, क्योंकि तू, उनको पता है कि तू वहां पर मनारा का स्टैंड लेगा। अब ये चीज़ें करके जो है गलत में भी उसका साथ दे रहा है ना जो मुनावर, वो पता चलेगा। अब विक्की का कहना ये है अब इसकी क्लैरिटीज जो है वो पता चल जाएगी, क्योंकि मनारा का स्टैंड लेते हुए सब लोग जो है वो टूट रहे हैं। अब इसको एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक को चूज करना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि इसकी गेम क्या है, कौन इसकी प्रायोरिटी है और किसको ये साथ में देखना चाहता है और कौन इसके दोस्त नहीं है। तो उसके बाद जो है सब लोग कट सकते हैं, साइड में हो सकते हैं कि हाँ भाई इसकी खास ये है या वो है, पता चल जाएगा। तो ये चीज़ जो है अंकिता लोखंडे बोल रही है। भाई अंकिता लोखंडे चाहती क्या है कि मुनावर उसके लिए डिफेंड करे, किसी के साथ लड़े? चलो ठीक है, सबकी तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, पर तुमने क्यों नहीं किया था उस वक्त जब बॉडी शेमिंग की जा रही थी, एज शेमिंग की जा रही थी? इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।